आपके पास इसमें सेकंड में देखें, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह जीरो और सी की जगह ए स्क्वायर माइनस वन वाई स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक है, देखें ये माइनस फोर है, ये प्लस फोर हो जाता है, ये माइनस की मिस्टेक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि अगर ए स्क्वायर लेस देने तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर इसने मिस्टेक की हुई है, माइनस है और ये प्लस है। तो अगर ये लेस देन जीरो है तो आप इसको कहेंगे इलिप्टिक, और अगर इक्वल टू जीरो तो पैराबोलिक, अगर ग्रेटर देन जीरो तो हाइपरबोलिक। अकॉर्डिंग टू इसके लिहाज से ये आपके पास नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव, पॉजिटिव मींस आपके पास इसका पॉजिटिव आएगा, और अगर ये आपके पास पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन जीरो, और जब ग्रेटर देन जीरो है तो आपके पास आपकी इक्वेशन जो होगी वो हाइपरबोलिक, और अगर लेस देन जीरो है तो ये इलिप्टिक, और इक्वल टू जीरो है तो पैराबोलिक। अब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके, ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे कंपेयर करके ए बी और सी को जज करेंगे। जब ए और बी और सी आपको पता चल जाएगा तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आए तो इलिप्टिक, इक्वल टू जीरो आए तो पैराबोलिक, ग्रेटर देन जीरो आए तो हाइपरबोलिक। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है आपके पास वो इलिप्टिक इक्वेशन है, उसको आप सोल्व करेंगे बाय यूजिंग लिबमैन मेथड। देखिए ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल स्क्वायर यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल स्क्वायर यू विथ रेस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू जीरो जीरो, दैट इज आल्सो कैन बी रिटन एज यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम लैप्लास इक्वेशंस कहते हैं। अगर इसको हम डिफरेंस ऑपरेटर में ब्रेक करें तो ये इक्वल होता है यू आई माइनस वन कमा जे माइनस टू टाइम्स ऑफ यू आई जे प्लस यू आई प्लस वन कमा जे डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस यू आई कमा जे माइनस वन माइनस टू टाइम्स ऑफ यू आई जे प्लस यू आई कमा जे प्लस वन डिवाइडेड बाई के स्क्वायर इक्वल टू। ये डिफरेंस ऑपरेटर है, अगर आप ब्रेक करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसकी ज्योमेट्री में कैसे या मेश पॉइंट में ब्रेक होता है। अगर आप एच और के को सेम ले लें, अगर इक्वल कर दें एच और के को, तो ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करके आपको निकालना है यू आई जे, ये आपको मीन पॉइंट होती है, ये मिडिल पॉइंट होती है। अगर आपको ये फाइंड करनी है तो ये इसका फार्मूला बनता है वन अपॉन फोर टाइम्स ऑफ यू आई प्लस वन कमा जे प्लस यू आई माइनस वन कमा जे प्लस यू आई कमा जे प्लस वन प्लस यू आई कमा जे माइनस वन। देखिए ये कैसे, ये आपके पास अब मेश है, तो एक्स समझेंगे एक्स वाई प्लेन है, अगर आप एक्स वाई प्लेन भी कंसीडर करें तब भी से ये मेश है। इसमें आपको पास ये सेंट्रल पॉइंट आपको मालूम करनी है यू आई जे, और इसकी लेंथ जो है वो इक्वल है, और इसकी जो लेंथ है वो आपके पास वन, मिसाल के तौर पर एक पॉइंट है, वन यूनिट लेंथ है। तो अगर यू आई जे है तो इसके राइट साइड पर होगा आपका वाई कंपोनेंट तो सेम रहेगा, जस्ट एक्स कंपोनेंट चेंज होगा, तो यू आई प्लस वन कमा जे हो जाएगा, और लेफ्ट पर यू आई माइनस वन कमा जे हो जाएगा। अपवर्ड में आप देखें तो यू आई कमा इसमें जे में आप इंक्रीज करेंगे जे प्लस वन, और डाउनवर्ड में आप चेक करें कि क्योंकि वाई कंपोनेंट डिक्रीज होगा आई सेम रहेगा जे आई माइनस वन, ठीक है। और दूसरा है आपके पास ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट फार्मूला। स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट फार्मूला में आप पॉइंट्स जो लेते हो एक लेफ्ट राइट अपर और लोअर पॉइंट्स लेते हो। स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट फार्मूला में आप कौन सी पॉइंट्स यूज करते हो, लेफ्ट राइट वाली पॉइंट और अपर और लोअर पॉइंट, ये आप पॉइंट्स यूज करते हो। दूसरा फार्मूला होता है डायगोनल फाइव पॉइंट फार्मूला, आपको ये सेंट्रल पॉइंट मालूम करने के लिए यू आई जाए, तो आप आइदर स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हो, डायगोनल फाइव पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हो, डिपेंडेंट अब हमारी जो रिजल्ट हैं वो कौन सी गिवन। अगर आप इसमें मीन पॉइंट मालूम करने तो इसमें आप डायगोनल यूज करेंगे, अगर आप डायगोनल में देखें तो ये आपके पास एक्स भी चेंज हो रहा है वाई भी चेंज हो रहा है, तो एक्स में यू आई माइनस वन कमा जे माइनस वन, और इसमें देखें आपके पास यहाँ यू आई जे है तो ये होगा यू आई प्लस वन कमा जे माइनस वन, क्योंकि ये जे माइनस वन वाई कॉम्पोनेंट इसका सेम रहेगा। और आप अपवर्ड में देखें तो आपके पास आई भी इंक्रीज हुआ जे भी इंक्रीज हुआ, तो यू आई प्लस वन कमा जे प्लस वन, और इसमें लेफ्ट पॉइंट पर आए तो यू आई माइनस वन कमा जे प्लस वन। इस फार्मूले को कहते हैं डायगोनल फाइव पॉइंट फार्मूला, और ये है स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट फार्मूला। डायगोनल फाइव पॉइंट फार्मूले में आप डायगोनल पॉइंट्स यूज करते हो, और स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट फार्मूला में आप लेफ्ट पॉइंट राइट पॉइंट और अपर और लोअर पॉइंट यूज करते हो मिडिल पॉइंट मालूम करने के लिए। द डायगोनल फाइव पॉइंट फार्मूला इज वैलिड सिंस वी नो द लैप्लास इक्वेशन रिमेन्स इनवेरिएंट व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू 45 डिग्री, बट द एरर इन डायगोनल फाइव पॉइंट फार्मूला, ये जो डायगोनल फाइव पॉइंट फार्मूला है इसका जो एरर होगा इज फोर टाइम द एरर ऑफ स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट। तो हम प्रीफर करते हैं कि स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट फार्मूला यूज करें। देखें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में
हमें सॉल्यूशन मालूम करना है लैप्लास इक्वेशन बाय लिब्मैन इटरेटिव प्रोसेस। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लाजमी प्रैक्टिस करना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, लैप्लास इक्वेशन, जैसे मैंने पहले डिफाइन की है कि ये लैप्लास इक्वेशन है। अब इस लैप्लास इक्वेशन को सोल्व करना है बाय लिब्मैन इटरेशन प्रोसेस में। देखिए ये मेश है आपके पास, इसमें क्या है कि एक सेंट्रल पॉइंट यू फाइव है। अगर आप इसको पॉइंट्स के नेम दें तो यू वन यू टू यू थ्री यू फोर यू फाइव यू सिक्स यू सेवन यू एट और यू नाइन, ये आपके पास बाउंड्री वैल्यूज हैं। अगर आपको यू फाइव मालूम करना है तो आप डायगोनल से भी मालूम कर सकते हो और स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट फार्मूला से मालूम। अगर डायगोनल से यूज करें तो यू फाइव इक्वल होगा वन अपॉन फोर टाइम्स ऑफ यू वन प्लस यू सेवन प्लस यू नाइन प्लस यू थ्री, और अगर आप स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो यू फाइव होगा वन अपॉन फोर टाइम्स ऑफ U2 प्लस U4 प्लस U8 प्लस U6। तो देखें यहां पर अगर आप U5 मालूम करें, इसमें कह रहा है वी फर्स्ट फाइंड U5 क्योंकि मीन पॉइंट हमें मालूम करनी है और हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला क्योंकि इसका एरर कम होगा। U5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ, अगर आप स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज करके U5 निकालें तो ये होगा 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ U2 U4 U8 और U6। अब इसमें चेक करें 1 upon 4 times of, ये basically आपके पास, अगर आपके पास boundary values given है, तो आपके पास U2, U4, U6 और U8 initially नहीं given होगा, तो आप क्या करेंगे इसकी boundary values लेंगे, तो U5 होगा 1 upon 4 times of C3 plus C15 plus C11 plus C7। देखें U5 is equal to 1 upon 4 times of C15, C7, C3, C11, क्योंकि आपके पास boundary values given होंगी initially। इनिशियली आप बाउंड्री वैल्यूज यूज करके आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, U5 की। तो जब आपके पास U5 मिल जाएगा तो अब आप डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला से, देखिए जब आपके पास U5 आपके पास गिवन है तो अब आप डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला यूज करके U1 की वैल्यू निकालेंगे। जब U1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C15 प्लस U5 प्लस C3। उसके बाद आप U3 की वैल्यू निकालेंगे डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला से, तो U3 होगा 1 upon 4 times of U5, U3, C3, C5 और आपके पास C7। इसी तरीके से आप U7 की वैल्यू निकालेंगे, जब आप U7 की वैल्यू निकालेंगे डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला से तो ये होगा 1 upon 4 times of C15, C13, C11 और U5। फाइनली जब आप U9 की वैल्यू निकालेंगे तो U9 की वैल्यू होगी 1 upon 4 times of U5, C11, C9 और C7। ठीक है, तो सबसे पहले आप U5 निकालेंगे आप बाउंड्री वैल्यूज के लिहाज से, उसके बाद आप डायगोनली U1, U3, U7, U9 निकालेंगे डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला से। जब ये मिल जाएंगी तो आप फिर उसके बाद स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला से U2 निकालेंगे। तो जब U2 आपको निकालना है तो ये होगा 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ C3, U1, U5, U3, क्योंकि अब आपके पास U1 अवेलेबल है, U5 अवेलेबल है, U3 अवेलेबल है। तो इसी तरीके से जब आप U2 निकाल लेंगे तो U4 आपको मालूम करना होगा। जब आप U4 मालूम करेंगे ये होगा 1 upon 4 times of U1, C15, U7, U5, और ये U1, U5 और U7 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। इसी तरीके से U8 और U6, देखिए यहाँ पर U5 पहले डिफाइन किया, उसके बाद मैंने आपको कहा कि डायगोनल पॉइंट्स आप मालूम करेंगे जैसे U1, U3, U7, U8, 9, ये मैंने एक्सप्लेनेशन की कि किसके इक्वल होंगे, तो ये डायगोनल के लिहाज से आप निकालेंगे, ये होगा 1 upon 4 U5, C1, C3, C15। अगर आप चेक करें U1 जो है, U1 जो है डायगोनली चेक करें तो सी वन आपके पास C3, C15 और U5। इसी तरीके से U3 भी, U7 भी और U9 भी, तो ये सारे फार्मूले। फिर आप स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज करके आप निकालेंगे वैल्यूज U2 की, U4 की और U6 और U8। देखें U2 की वैल्यू आपको बताता हूं 1 upon 4 टाइम्स ऑफ, देखें ये कैसे होगी U2 आप चेक करें इसमें स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। अगर आप U2 चेक करेंगे तो लो आप इसकी लेफ्ट साइड वाली पॉइंट, राइट साइड वाली अपर और लोअर, मीन्स U1, U3, C3, U4, इनको सम करके 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालें। इसी तरीके से U4, U8 और U6।
तो जब ये सारी वैल्यूज निकालेंगे तो आप यहां पर पुट करेंगे फाइनली, इसको सम करके 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, हमें सेकंड ऑर्डर लैप्लास इक्वेशन सोल्व करनी है बाय लिपमैन मेथड। इसमें बाउंड्री कंडीशंस आपके पास गिवन है 0 से लेकर 4 तक, x की वैल्यू और y की वैल्यू भी 0 से लेकर 4 तक, और बाउंड्री में है u ऑफ 0 कॉमा y इक्वल टू 0 और u ऑफ 4 कॉमा y इक्वल है, ये है 8 प्लस 2y, और u ऑफ x कॉमा 0 आपके पास गिवन है x स्क्वायर अपॉन 2 और x कॉमा 4 आपके पास गिवन है x स्क्वायर। h और k की वैल्यू आपको बताता है स्टेप साइज आपके पास कितनी है 1। ये आप ये फंक्शन थोड़ा नोट करें, आपके पास 0 टू 4 x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 टू 4, और ये u ऑफ 0 कॉमा y, जब x की वैल्यू 0 है तो y चेंज होगा, y आपके पास 0 पर भी 0 रहेगा, 1 पर भी 0 रहेगा, 2 पर भी 0, 3 पर भी 0, 4 पर भी 0 जब x 0 है, और जब आपके पास x 4 है तो अब y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। जब y 0 रखेंगे तो 8 होगा, 1 रखेंगे तो 10 होगा, 2 रखेंगे तो आपके पास ये 12, और आपके पास 3 रखेंगे तो आपके पास ये 14, 4 रखेंगे तो 16। इसी तरीके से जब आप y को 0 रख रहे हो, y को 0 रखेंगे तो x चेंज होगा, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में, x 0 रखेंगे तो आपके पास 0, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5, इसी तरीके से 2 रखेंगे 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, इसी तरीके से 3 और 4 पर। फाइनली जब आप x की जगह यहां पर चेंज करेंगे, जब x 4 और y 4 पर, जब y 4 होगा तो x चेंज करेंगे 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, 3 पर 9 और 4 पर कितना हो जाएगा 16। अब देखें ये डेटा हमने पुट करके बाउंड्री वैल्यूज निकाली है, यहाँ पर चेक करें, जब x 0 y 0 ये आपके पास फंक्शन है, जब आपके पास y की वैल्यू कितनी है चेंज हो रही है और x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू आपको क्या क्या मिलेगी, जब x की वैल्यू 4 पर y 0 रखेंगे तो आपके पास 8 आएगा मीन्स ये वाली पॉइंट, और जब 1 रखेंगे तो 10 आएगा मीन्स ये वाली पॉइंट, 2 रखेंगे तो 12 ये वाली पॉइंट, और 3 रखेंगे तो 14 और 4 रखेंगे तो 16 ये पॉइंट, ठीक है। और यहां पर आप x को देखें, u ऑफ x कॉमा 0 इक्वल टू x स्क्वायर 2, जब y की वैल्यू 0 है मींस ये पॉइंट इनिशियली यहां पर 0 0 होगा, x भी 0 और y भी 0, जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 0.5, 2 रखेंगे तो 2 और 3 रखेंगे तो आपके पास 4.5, 3 रखेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 मींस 4.5, और जब आप 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 8, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ रही है, बाउंड्री पॉइंट्स आ रही है, ये पॉइंट्स भी एक्सप्लेन हो गई, ये पॉइंट भी क्लियर हो गई, और ये पॉइंट आपको कैसे में? जब आप x 0 है और y चेंज हो रहा है, आपके पास रिजल्ट हमेशा क्या आ रही है, 0 आ रही है, चाहे आप y 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 0 रखें तब भी 0, 1 रखें तब भी 0, 2 रखें तब भी 0, 3 रखें तब भी 0, 4 रखें तब भी 0, और ये आपके पास फाइनली आपके पास अपर बाउंड्री कंडीशन से u ऑफ x कॉमा 4 इक्वल टू x स्क्वायर। जब y की वैल्यू 4 है x चेंज हो रहा है, तो y की वैल्यू 4 पर x क्या चेंज हो रहा है, जब आप 0 रखेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा मींस ये वाली पॉइंट, जब 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए, जैसे मैंने कहा था c1 c2 c3 c4, जब ये एक्सट्रीम पॉइंट्स आप गिवन फंक्शंस में से लिख लेंगे, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको u5 चाहिए, इसकी मिडिल पॉइंट चाहिए u5। तो इस u5 पर आप देखें कि आप डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 16 0 0 और 8 ये आपके पास गिवन है, और स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हो 0 12 4 और 2। तो आप दोनों में से जो बेस्ट प्रीफर है वो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला है, क्योंकि इसका एरर जो है वो 4 टाइम्स कम होता है डायगोनल से। तो हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला में से इसकी वैल्यू निकालेंगे u5 की वैल्यू। तो आप u5 की वैल्यू क्या होता है बेटा, आप अब चेक कर लें u5 आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इनको आप डायगोनली आप डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला यूज करके आप u5 निकालेंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शुरू से, और उसके बाद जब आपके पास u5 मिल जाएगी तो फिर आप या क्या निकालेंगे u1 की वैल्यू, u1 की वैल्यू स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला से, या डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला यूज करें, क्योंकि ये भी क्योंकि डायगोनल यूज करेंगे u2 अवेलेबल नहीं होगा, u1 के लिए आप डायगोनली यूज करेंगे तो 0 0 और u5 आपके पास गिवन होगा और 4, ये आपके पास u1 मिल जाएगा। इसी तरीके से u3 u7 u9, फिर आप क्या करेंगे u2 की वैल्यू निकालेंगे स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। अब ये पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट u5 भी गिवन है, u3 भी गिवन है, तो आपके पास ये पॉइंट्स गिवन होंगी स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला से u2 u4 u8 u6 निकालेंगे। जब ये सारी रिजल्ट्स मिल जाएंगे
लेकिन इनिशियली यहाँ पर क्या क्या आपने फाइन फाइन क्या फाइन किया है, यू नाइन फाइन किया, जैसे ये यू नाइन यू टू यू फोर यू सिक्स और यू एट, ये सारी रिजल्ट्स आपने निकाले। सारी रिजल्ट्स जब आप निकाल लेंगे उसके बाद आप लिबमैन मार्क लिबमैन फार्मूला में यहाँ पर डेटा पुट करेंगे, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो U1 सबसे पहले आप U1 निकालेंगे 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ, तो ये आपके पास U2 और U4 आ जाएगा। ये आपके पास अननोन है, जो जो आपके पास नहीं मिल रहे वो अननोन है, और फिर उसके बाद आप U2, इसमें अननोन है आपके पास, इसी तरीके से U3 U4 U5, ये सारे रिजल्ट्स आप निकालेंगे स्टैंडर्ड और डायगोनल 5.5 फार्मूला। तो फर्स्ट इटरेशन में आप पुट करेंगे तो U1 तो आप 1 अपॉन 4, n की जगह आप 0 रखेंगे जनरल फार्मूले में, तो आपके पास हो जाएगा U2 U4 और ये आपके पास पॉइंट गिवन होगी, और इसमें जो ये U2 0 और U4 0 इनिशियल पॉइंट आप पुट करेंगे तो आपके पास ये डेटा आपके पास गिवन है। ये आप फार्मूले से निकालेंगे तो पुट करेंगे तो आपके पास U1 आ जाएगा 2, और इसी तरीके से U2 आपके पास 4 पॉइंट, U3 U4, ये सारे रिजल्ट्स आप निकालेंगे U6 U7 U8 U9। इसी तरीके से सेकंड इटरेशन आप जब n की जगह 1 रखेंगे, देखिए ये सारे रिजल्ट्स हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन किया है मैंने इन फार्मूला से, जैसे U1 होगा 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ U5 C1 C3 C15, ये डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला से U1 U3 U7 U9। जब आप डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला से ये रिजल्ट्स निकालोगे फिर आप स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज करके U2 U4 U6 और U8 निकालोगे, फिर फाइनली इसके जनरली मेश चलाओगे, n की जगह 0 रखें, फिर n की जगह 1 रखें, फिर n की जगह 2 रखें, अब जितने आपको एरर कम चाहिए उसके लिहाज से। ये सारे रिजल्ट्स निकालें फर्स्ट इटरेशन, फिर सेकंड इटरेशन, और फिर इसी तरीके से आप ये लूप चलाते जाओगे जितना एरर आपको कम चाहिए। इसमें सॉल्व है ये प्रॉब्लम थर्ड इटरेशन, इसमें मालूम करता है कितने इटरेशन तक, थर्ड इटरेशन तक, जब थर्ड इटरेशन तक आप निकालते हो तो U1 की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.99, U2 की, U3 की, U4, U5, U6, U7, U8 और U9, ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल टू आप सोल्व करोगे, इस एग्जाम्पल टू के लिए सबसे पहले आप U5 निकालोगे। U5 आप कैसे निकालोगे, आप स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज करें, ठीक है। जब स्टैंडर्ड U5 निकल जाएगा तो फिर आप U1 निकालोगे बाय डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला से, U3 डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला से, U7 और U9। जब ये डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला से ये रिजल्ट्स निकाल लोगे तो फिर आप स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज करके U2, U4, U6 और U8 निकालें, ये सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फिर आप लूप चलाएंगे y नॉट पर, फिर n की जगह 0 रखेंगे तो y नॉट, फिर y1, फिर y2, y3, मींस इसी तरीके U1, इसी तरीके होगा U1 नॉट, U2 नॉट, U3 नॉट, U4 नॉट, U5, U नॉट, U6 नॉट, इस तरीके से आपके पास इटरेशन। तो ये सॉल्यूशन भी अवेलेबल है आपके पास, आप इसको देखें, इसको समझें, ये सॉल्व करें आप।